और अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्पीकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच 7 जनवरी को हुई मुलाकात पर आपत्ति जताते हुए शिवसेना उद्धव खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उद्धव खेमे द्वारा दावा किया गया कि शिंदे खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर अपने फैसले की घोषणा करने से ठीक 3 दिन पहले स्पीकर का मुख्यमंत्री से मिलना बेहद अनुचित है। शिवसेना यूबीटी गुट ने दावा करते हुए कहा कि स्पीकर की ऐसी कार्रवाई उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। अब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर ने उद्धव सेना के हमले पर सफाई जारी की है और उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते उन्हें कई काम है जिन पर चर्चा की जरूरत है। शिंदे खेमे के 38 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र स्पीकर आज फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि 2022 में शिंदे खेमे के विद्रोह के कारण शिवसेना में विभाजन हुआ और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। जब से ये क्रिकेट में गैम्बलिंग जुगार और जुगाड़ शुरू हुआ है तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूँ, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं, वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति न्यायालय ट्रिब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूँ? अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, तो आज राहुल नावरेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर अपना वर्डिक्ट सुना देंगे, लेकिन कई आशंकाएं उद्धव खेमे ने जरूर जताई हैं। शिवसेना यूबीटी ने बार बार कहा है कि ये आखिर लास्ट मिनट में मीटिंग्स क्यों हुई हैं, जो कि मीटिंग सिर्फ महज 3 दिन पहले हुई है आज के वर्डिक्ट से पहले। तो आज कब तक ये फैसला आ जाएगा सामने, कब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? जी बिल्कुल, आज 4 बजे का वक्त दिया गया है स्पीकर राहुल नार्वेकर के द्वारा, ये जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है उसके ऊपर जो है वो डिसीजन दे देंगे राहुल नार्वेकर। अब 3 पॉसिबिलिटीज है इस पूरे मामले में। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उद्धव ठाकरे के फेवर में ये अगर डिसीजन आता है तो 16 MLA जो शिंदे गुट के हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी में जो है 3 मिनिस्टर्स की पोस्ट और 1 चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो भी खतरे में आती है। अब इसके खिलाफ शिंदे गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की जो पोस्ट है उसको खतरा ना हो इसके चलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी कहा था कि इनको विधान परिषद पे लिया जाएगा और उनको MLC का दर्जा दिया जाएगा और उनकी जो सीट है वो बचाई जाएगी। ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर शिंदे फैक्शन के फेवर में रिजल्ट आता है तो फिर जो 14 MLA है उद्धव ठाकरे गट के वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इसी के चलते सिर्फ 2 MLA उद्धव ठाकरे के पास बचेंगे जो क्वालिफाइड है, आदित्य ठाकरे और ऋतुजा लटके। इन दोनों के खिलाफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन शिंदे गुट के द्वारा डाली नहीं गई थी। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है जो काफी हद तक है कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया था पहले, सुनील प्रभु जो उद्धव ठाकरे गुट के विप थे उनको अमान्य जाहिर किया जाएगा और यही कहा जाएगा कि स्प्लिट हुआ नहीं था पार्टी में, सिर्फ
जो है लीडरशिप चेंज जी हुई बिल्कुल, थी। लेकिन सृष्टि ये नजर जो बनी रहेगी कि आखिर क्या फैसला आता है। हालांकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, बीजेपी की तरफ से भी कल रात को बैठक की गई है, मंथन किया गया है। हालांकि एक बैठक जो महासभा महाराष्ट्र के स्पीकर के साथ हुई, उससे जरूर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।